प्यारे बच्चों, मैं रमेश पांडे आपके बीच आज हिंदी साहित्य में कवि सूरदास का संक्षिप्त परिचय आपके बीच रखते हुए इनके दो पदों का भावार्थ आपके बीच रखेंगे। आइए कविता संक्षिप्त परिचय देख लिया जाए। महाकवि सूरदास को महाकवि माना जाता है, क्यों? क्योंकि वह ऐसे विभूतियों में गिने जाते हैं कि जिनके स्तरीय विद्वानों में शायद ही कोई हो। जैसा कि एक कविता, एक दोहा है कि तुलसी ससी उद्गण के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करें प्रकाश। कि सूर्य को सूर को सूर्य के समान दर्जा दिया गया है। महाकवि तुलसीदास जी को शशि और केशवदास को उद्गण और खद्योत आदि, खद्योत से तात्पर्य कि जुगनू से। तो आजकल के कवि तो ठीक ही है, किसी की यहाँ पर बहुत बुराई और बड़ाई से मतलब नहीं, लेकिन ये कि इन्हें भारत के बहुत महान कवियों में इनकी चर्चा की जाती है। आइए इनका संक्षिप्त परिचय जाने। इनका जन्म संवत 1535, जो कि सन के हिसाब से, ईस्वी के हिसाब से 1478 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। इनके जन्म और इनके जन्म स्थान के विषय में यद्यपि विवाद है, बहुत अस्पष्ट बातें नहीं, लेकिन एक जो हमें किताबों से जो प्राप्त हुआ है तदनुसार वो यही है कि 1535 संवत सन 1478 ईस्वी जन्म स्थान का रुनकता या सी। इनके पिता जी का नाम पंडित रामदास सारस्वत था, इनके गुरु आचार्य वल्लभाचार्य थे। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका जो स्वरूप था, यानी इन्होंने जिस रूप में भगवान को पूजा, वो शगुन काव्य भक्ति धारा के थे। इनका निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर, जो कि गोवर्धन पर्वत के पास बनाया गया मंदिर है, तो श्रीनाथ मंदिर में ये रहा करते थे। इनके गुरु वल्लभाचार्य इनको ले जाके वहां पर केवल और केवल पदों का गाने के लिए पद गाते थे, और वहां पर इस मंदिर में रहते हुए माने इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इस मंदिर में बिताया। वहां पर ये पद गाते थे, नए नए पदों की रचना करते थे, और लोग इनको खूब बढ़िया भाव भजन के साथ सुनते थे। इनके इनका जो प्रमुख रस रहा वो श्रृंगार एवं वात्सल्य। इन्होंने दोनों रसों में बहुत ही मार्मिक पदों का पदों को लिखा है। इनकी मृत्यु सन 1440 1583 ईस्वी के आसपास बताई जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसागरवी, साहित्य लहरी, ये तीन पुस्तकें हैं। ये भी कहा जाता है कि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पद, 1,25,000 पदों की रचना की है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें जो प्राप्त है अभी तक लोगों को जो प्राप्त हुआ है लगभग 10,000 पद प्राप्त हुए हैं, शेष पद इनके गायब हैं। अगर उन्होंने 1,25,000 पदों की रचना की थी तो, लेकिन लोगों का कहना है बिल्कुल सही भी हो सकता है और है भी। आज हम उनके कुछ एक पदों का भावार्थ आपके बीच रख रहे हैं, आइए देखा जाए। अब के राख लियो भगवान, अब के राख लियो भगवान, यहां पर विनय के, यानी विनय करते हुए भगवान से विनय करते हुए कभी कहता है कि ये ईश्वर अब हमें राख लियो, यानी हमारी रक्षा करो, मैं अनाथ हूं,
मेरा कोई सहारा नहीं, बिल्कुल बेसहारा हूं। ऐसी स्थिति में अब की बार मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। हौ अनाथ बैठो दूर डरिया, मैं इस समय अनाथ होकर बेसहारा होकर ध्रुव डरिया एक वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। पारधी साधे बना, जिस पर की पारधी से तात्पर्य बहेलिए से है, जिस पर की बहेलिए ने अपना बाण साध रखा है, तो मैं अनाथ होकर बेसहारा होकर पेड़ की डाल पर बैठा हूं और जिस पर की बहेलिए ने बाण साध रखा है, बाण से निशाना लगा रखा है। ताके कुर में भाजो चाहत, ताके डर मैं भाग्यो चाहत, उसके डर से अगर मैं भागना चाहता हूं तो ऊपर ढको सचा, तो ऊपर कहीं ने हम सचान से तात्पर्य बाद से मेरे ऊपर बाज भी बैठा हुआ है। यहां पर कवि ने अपने को एक छोटा पक्षी मानते हुए इसको समझने का प्रयास करें कि कवि ने अपने को छोटा पक्षी माना है जिसको बाज से भी कर रहा है और साथ ही बहेली ने उसका निशाना भी लिया हुआ है। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से उसे खतरा है, दोनों तरफ से प्राण जाने के आसार उसको देख रहे हैं। ऐसे में वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, विनय कर रहा है कि हे भगवान अब कह रहा कि ले भगवान अब की बार मेरी रक्षा करो। दुहु भाग दुख भयो आनी, दोनों तरह से मुझे यह दुख आ गया है, यह कौन उबारे पान, इसमें मेरी कौन रक्षा करे, यानी आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं और आप मेरी रक्षा करें। सुमिरत ही अहि दशो पारधी, जैसे ही कहते हैं कि जब हम भगवान को मान लेते हैं, भगवान पर अपने को पूरी तरह से आश्रित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे में जैसे ही उस यानी कर्म रूपी या उस पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, तो भगवान ने स्मरण करते ही अहि से तात्पर्य सांप से, सर्प से, नाग से, सुमिरत की अहि जैसे पारधी, एक तो सांप जो कि नीचे जाकर उस पारधी को यानी बहेलिए को डस लेता है, कर छूटो संधान, जिससे कि उसके कर से वो संधान जो बाण यानी निशाना लगाया हुआ था वो छूट जाता है। सूरदास सर लगो सचाने, जय जय कृपा निदान, सूरदास जी कहते हैं कि जब उसके हाथ से वो संधान यानी बाण छूटता है और वो सीधा जाकर उस जो ऊपर यानी उस पक्षी के ऊपर बैठा बाज है उसको जाकर लगता है, इस प्रकार से भगवान के स्मरण से दोनों तरफ से जो उसके सामने दुख यानी प्राण जाने का खतरा प्रकट हुआ था, वो दोनों ही खतरे भगवान ने दोनों ही खतरे हटा दिए। इधर पारधी यानी बहेलिए को सांप ने डस लिया और दूसरा जो वो सचान यानी बाज ऊपर से उससे जो खतरा था उस खतरे को उस बाण ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार से ईश्वर के भजन से बिल्कुल पूरी समस्या का अंत हो गया ईश्वर के स्मरण से। तो इस तरह से यह पहले आपके पद का अर्थ रहा, अब हम देखते हैं दूसरे पद का अर्थ, मेरा मन अनंत कहां सुख पायो। मेरा मन इस अनंत यानी मन जो है वो अनंत है, अनंत मतलब मन की तो बात ही है कि वो इधर उधर कहीं भी विचरण करने वाला कहां सुख पावे, कहां से इसको सुख की प्राप्ति हो।
जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन फिर जहाज में आवे। यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं प्रकारांतर से आप बच्चों के बीच रखना चाहूंगा, वो ये कि सूरदास के समय में जब तब सागरों में जो लोग यात्रा करते थे उस समय कोई दूसरा साधु नहीं था, दिशाओं का ज्ञान लोगों को नहीं होता था, हम रास्ते बिल्कुल भटके हुए से होते थे, चारों तरफ कहीं किनारा नहीं दिखाई देता था। उस समय जो समुद्रों में यात्रा करते थे वो अपने साथ पंछी को लेकर जाते थे, पंछियों को अपने साथ उस जहाज पर रखते थे। इसलिए रखते थे कि जब उन्हें इस तरह का विस्मरण होता था कि ये मेरा और मैंने अब किधर किधर की तरफ किनारा, चूंकि दूर दूर तक किनारे दिखाई नहीं देते, तो ऐसे में उन पंछियों को जब नाविक या जहाज के लोग परेशान होते किनारे नहीं दिखते नहीं, तो ऐसे में उनको छोड़ दिया जाता और छोड़ने पर पक्षी बड़ी बड़ी ऊंचाई पर उड़ता और उड़ने के बाद वो चारों तरफ अपने देखता, जिधर की तरफ किनारा नजदीक होता वो उधर की तरफ उड़ लेता। तो ऐसे में लोग जहाज को भी उस किनारे की ओर मोड़ देते और जल्दी ही किनारे पर पहुंच जाते। इसलिए लोग पहले पंछियों को जहाज पर रखते थे। अब आप यहां पे भाव समझिए, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन जहाज में आवे। अगर किनारा नजदीक नहीं दिखता था यानी पंछी को भी, जब वो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर उड़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी विजिबिलिटी बढ़ती जाती है, दृश्यता बढ़ती जाती है, तो वो पंछी ही उड़कर देख सकता था चारों तरफ और किनारे देखने पर। अगर पंछी को भी किनारे नहीं दिखते थे तो ऐसी दशा में वो फिर से जहाज पर आकर बैठता, बार बार वो जहाज पर आके, मतलब अगर चारों तरफ किनारे न दिखाई देने की स्थिति में वो पंछी जो है जहाज पर आकर बैठता। तो यहां पर भाव यही लिया गया है कि जैसे उड़ी जहाज को